तो हर हर महादेव फ्रेंड, देख सकते हैं आप सभी, ये सुबह सुबह बाबा का नज़ारा, पूरा परिसर इस साइड पूरा बनाया गया है, यानी काउंटर और लॉक का प्रसाद देख सकते हैं। लॉकर है पूरा और यहाँ पे लाइन लग गई है फ्रेंड्स, देख सकते हैं पूरा। गणेश्वर भवन और ये पानी पीने के स्थान, पानी भर लीजिए, पी लीजिए, ठंडा पानी पानी पीना है। ये सभी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, देख सकते हैं सुबह सुबह लाइन लग गई फ्रेंड्स, अंदर से बाहर तक पूरा टोटल। पहले चेक इन होती है, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है यहाँ पे। सामने चंद्रगुप्त, वहाँ पे चंद्रगुप्त महादेव मंदिर है और यहाँ पे नीम का पूरा परिसर में पेड़ लगाया गया, केवल नीम ही है यहाँ पे। और ये वाला जो रास्ता है यहाँ पे, ये वाला, ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा गेट नंबर 2 से गेट नंबर 4 की तरफ। यहाँ डस्टबिन देख सकते हैं, यहाँ पे लोहे का पूरा डस्टबिन है, साइड पीने का पानी जो बाहर बोर्ड लगाया गया था पूरा। इस साइड लॉकर है, ये सीढ़ी बनाई गई ऊपर जाने के लिए, सेकेंड फ्लोर पे ऊपर देख सकते हैं, सुविधा है पूरा। बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पर टेलीफोन की भी सुविधा है, लिफ्ट की भी सुविधा यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे गेट नंबर 4 की तरफ जाने का रास्ता और इस साइड जो है ये गली है पूरा, देख सकते हैं यहाँ पे। पत्थर ऐसे लगाए जाते हैं यहाँ पे, गेट नंबर 4 से लोग आ रहे हैं। ले पूरा जो परिसर है ये गेट नंबर 4 की तरफ ले जाएगा सभी को। गेट नंबर 2 की तरफ से जा रहे हैं तो गेट नंबर 4, और गेट नंबर 4 की तरफ से आ रहे हैं गेट नंबर 2। तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा दूर जाके बस चले आएंगे वापसी, क्योंकि आगे सिक्योरिटी होती है। पूरा देख सकते हैं हिस्सा, ये सिक्योरिटी के रूप में ये सब आए हुए हैं, देख सकते हैं सभी। ये गेट नंबर, मैं डर गया था फ्रेंड, देखिए धूप डॉग आ गया।
पूरी मकाने जो तोड़ दी गई थी यहाँ पे, वो मकाने हैं पूरी, देख सकते हैं आप सभी। कुछ मकाने बची हुई हैं यहाँ पे। तो ये सभी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। तो यहीं से दिखेगा बाबा का द्वार। यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा रेलिंग बैरिकेड रखा गया है जो कि लगाया जाएगा। देखिए कई भवन यहाँ पे हैं। ये देखिए इसके अंदर ये आ गया, जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से ये गाड़ी लाया गया है, ट्रैक्टर छोटा वाला। नहीं, छोटी छोटी गाड़ियाँ इसमें आ सकती हैं, बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। और इधर कई मंदिर है। देख सकते हैं तरह तरह का मंदिर यहाँ पे, टॉयलेट। तो इस परिसर में पूरा मंदिर है, वैद्यनाथ भवन, टॉयलेट। जो अभी चालू नहीं है यहाँ का, पूरा देख सकते हैं पूरा जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं। और ये बैठने की व्यवस्था, ये पतंग, देखो यहाँ पे महादेव हैं। जब बाहर निकलेंगे तो आप सभी को दिखाई देगा ये टॉयलेट, शौचालय, देख सकते हैं यहाँ पे। हर जगह लोहे के डस्टबिन रखे गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये स्नान करा रहे हैं। तो यहाँ पे कई मंदिर थे जो कि अब उसे पूरा जीवित किया जा रहा है, यानी पूरा निर्माण किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में फिर से अच्छा हो सके।
सभी लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं यहाँ पे। सामने प्रसाद और भी आरती के टिकट बाकी जो चीज़ें हैं वो इस जगह मिल जाएंगे। जो लॉकर आप सभी को दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लॉकर है वहाँ पे, जहाँ पे अमृत भवन घृणेश्वर भवन बनाया गया वहाँ पे। चप्पल इधर उधर रख दिए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी। यही बुरा है कि चप्पल एक जगह नहीं है, पूरा बिखरा हुआ रहता है यहाँ पे। भारी मात्रा में लोग आ रहे दर्शन करने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया देख सकते हैं, अमरनाथ भवन और बाकी जगह है जो ये सामने ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लिफ्ट है अंदर नेपाली मंदिर। पूरा इधर हिस्सा बचा हुआ है, पूरा मंदिर का पूरा निर्माण का काम हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आदि शंकराचार्य चौक बाकी जगह बनाई गई है। ये पूरा रूम बनाए गए हैं, संकुल बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं पूरा। शौचालय सीढ़ी जो लिफ्ट के नाम पे जाना जाता है, ये स्टार्ट नहीं है अभी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से चलिए नीचे उतर के दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए अभी बिल्कुल भी सीढ़ी स्टार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप अभी देख सकते हैं। ये स्वचालित सीढ़ी है, यानी चलने वाली लिफ्ट जिसे कहा जाता है। पूरा ऊपर नीचे देख सकते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य यहाँ पे। तो ये सभी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं, देख सकते हैं सभी दर्शन करने सभी लोग एक्चुअली में जा ही रहे हैं। ये अयोध्या यात्रा आगे वाला आगे पीछे अगर पीछे नहीं आते हैं ना।
इस तरफ काम हो रहा है फ्रेंड्स। ये सभी मजदूर हैं जो वर्क करने के लिए अभी आ गए हैं सुबह सुबह ही। ढलाई का काम स्टार्ट। तो आइए चलते हैं नीचे और यहाँ पे देखिए बाबा का जो भभूत है चंदन है वो देखिए कैसे लगाया जा रहा है। लोग चंदन लगा के यहाँ पे कमा ले रहे हैं 50-50 रुपये। टीका लगा के कभी आपने पैसे कमाए हैं? यहाँ पे देखिए बस बाबा का ये लगा दिया जा रहा है, उसके बाद से ही पैसे मिल जा रहे हैं 50, 100, 200, 400, 500, तो काफ़ी अच्छी कमाई हो जा रही है यहाँ पे। लोगों की भारी भीड़ हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं सभी। सभी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। पकड़े बोलो तो यहाँ पे सभी लोग दर्शन के लिए आ रहे देख सकते हैं सभी। और इस साइड ढलाई का काम हो रहा है, चालू हो गया ढलाई यहाँ पे। पूरा देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं पूरा सा। Thank you.
लेबर बनाए गए हैं जो इसी तरीके से यहाँ पर ढलाई होनी है। ये पूरा यहाँ पे पत्थर लगाने का काम बाकी है जो एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इधर पत्थर लग चुके हैं पूरी तरीके से, अंदर सीमेंट भरना बाकी है। तो लोग रत्नेश्वर महादेव मंदिर को देख के काशी करवट कर रहे थे। वैसे तो काशी करवट के नाम से ही वो जाने जाते हैं, यानी जो फेमस हैं, यानी फेमस निलटी है वो जो है उन्हीं की वजह से है। जेटी बनाई गई है यहाँ पे, कुछ महक मर गया यहाँ पे। सभी लोग नाव से बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। ये कपड़े बनाने के लिए है लेडीज, Thank you.